Good morning students, how are you? I hope you all are fine. So students, today we are going to start our new topic of organic chemistry. You can say that first chapter of organic chemistry, that is haloalkene and haloarene. ठीक है? तो students सबसे पहले haloalkene और haloarene prepare कैसे या होते क्या हैं वो देखते हैं देखो. अगर हम किसी भी aromatic hydrocarbon या aromatic hydrocarbon, aromatic या फिर एरोमेटिक ओ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक एच को रिप्लेस कर दे, मीन्स माइनस एच कर दिया, एच को हटा दिया और उस एच की जगह में क्या ऐड कर दिया, कोई भी हैलोजन ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिलेंगे? एरोमेटिक से आपको हैलोजन मिलेंगे और एरोमेटिक से हेलो एरिन मिलेगा. ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? हेलोएल्कीन या फिर हेलो एरिन. ठीक है, तो आप एलिफेटिक जनरल फॉर्मूला भी बोल सकते हो, जैसे सी एन एच टू एन प्लस टू आपका एल्कीन का फॉर्मूला था. ठीक है, अगर इसी एल्कीन में से एक एच को मैं रिमूव कर दू तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एक एच हटा दे प्लस टू, तो क्या बनेगा? प्लस वन, और उस एक्स की जगह क्या आ गया आपका एक्स. तो ये हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला है. उसके बाद तो हमने अगर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो मोनो हैलाइड, मोनो का मतलब वन, हैलाइड का मतलब आपका कोई भी हाइड्रोजन. ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका हाइड्रोजन क्या वो वन है, उनको आप क्या बोलोगे? मोनो हैलाइड करोगे. आपको देखो कितने टाइप होते हैं मोनो हैलाइड में, देखो आर सी एच टू एक्स, ये कैसा है? मोनो हैलाइड है. अब देखो दूसरा एक मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, आर सी एच, यहाँ पे मैंने एक्स लगाया है, यहाँ पे क्या आपका एक और हो सकती है, उसकी वैल्यू से फोर हो गई, यहाँ पे सी एच थ्री. ठीक है, अब एक और हैलोजन देखो कैटेगरी आर सी आर आर एक्स, देखो सभी में कितने हैलोजन है, ये एक हैलोजन है, यहाँ पर भी कितना हैलोजन है एक है और यहाँ पर भी कितना एक है. तो ये सारे कौन से कैटेगरी के हैं? मोनो हैलाइड. बट इस वाले में जो हैलोजन अटैच वो कितने कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे, ये कैसा हैलाइड होगा? प्राइमरी हैलाइड या प्राइमरी है. ये वाला हैलोजन देखो, ये जो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, यहाँ पे आर मतलब फर्दर सपोज करो सी एच थ्री लगा लो, तो ये कौन से कार्बन से अटैच है? सेकेंडरी कार्बन से. कौन सा हैलाइड होगा? सेकेंडरी हैलाइड होगा. ये एक्स जिस कार्बन से अटैच है वो तीन इलेक्ट्रॉन ग्रुप से अटैच है, मीन ये कार्बन कैसा है? टर्शियरी. तो ये हैलोजन आपका कौन सा होगा? टर्शियरी हैलाइड. तो ये क्लासिफिकेशन थी आपकी मोनो हैलाइड की. अब देखो डाई हैलाइड थी. अब डाई हैलाइड होते हैं आपके दो टाइप, देखो दो हैलोजन कैसे, मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल ड्रॉप कर दी. ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने मोनो हैलाइड पढ़ ली है. अब देखो डाई हैलाइड, डाई हैलाइड में आपका जैसे आर है कार्बन है और ये कार्बन है. अगर दो केस हो सकते क्या, तो दो दोनों हैलोजन किसके साथ अटैच दू, एक ही कार्बन में अटैच दू जिसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH2CH2, या फिर क्या हो सकता है कि दो है जो हैलोजन है वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे अटैच हो, मीन्स लाइक दिस X and X. Here is H and CH2. ठीक है, हर एक कार्बन की फोर वैलेंसी पूरी. तो यहाँ पे दोनों हैलोजन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच है. तो जब एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल हैलाइड. जर्मिनल हैलाइड. और इसको क्या बोलते हैं? बिसिनल हैलाइड. बिसिनल हैलाइड. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. अब डाई हैलाइड में इतना ही था, अभी नेमिंग पार्ट हम बात नहीं करेंगे, जस्ट अब तो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. थर्ड वन इज ट्राई हैलाइड. ट्राई हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? हैलोफोन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हैलोफोन. लाइक दिस टाइप का वन ट्राई हैलाइड सी एच एक्स थ्री टाइप. सपोज करो अगर आपका सी एच सी एल थ्री हो गया तो क्या बोलोगे? हेलो फोम है.
जिसका मीनिंग अगर आप देना चाहो तो आप क्या बोलोगे, क्लोरो होम, क्लोरो होम। ये वही जिसको स्मेल करके आप बेहोश कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे सी एच आई थ्री होता तो क्या हो जाता, आयोडो होम, आयोडो होम। सी एच बी आर थ्री हो जाएगा तो ब्रोमो होम, ठीक है। तो ये आपके ट्राइहैलाइड्स है और अपर आपका टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड कितने हैलोजन होंगे, लाइक सी एच फोर टाइप आपने सुना होगा, सी सी एल फोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब देखते हैं अगले तीन क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं, सॉरी चार, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड। अब देखते हैं एलाइल हैलाइड क्या होता है, एलाइल हैलाइड। ये सारे क्लासिफिकेशन आपने क्लास 11 में देखी हुई है। अब एलाइल हैलाइड क्या होंगे, एलाइल होंगे एलाइल बोल दो। देखो आपके पास डबल बॉन्ड है, कार्बन है, फिर कार्बन। अगर हैलोजन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो कौन सा हैलाइड बोला जाएगा, एलाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, उसके साथ अटैच हैलोजन क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा, ठीक है। तो अब मीन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में बैलेंस से पूरी करोगे ये हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसका आया, एलाइलिक हैलाइड। ये वाला एग्जाम्पल भी देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर कार्बन फिर इसके साथ हैलोजन, डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर हैलोजन इसके साथ, ये एलाइलिक कार्बन हो तो ये हैलोजन कौन सा होगा, एलाइलिक हैलोजन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये एग्जांपल भी किसका है, आपका डबल बॉन्ड यहाँ है, सिंगल बॉन्ड यहाँ से फिर डायरेक्ट हैलोजन। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, एलाइलिक हैलाइड के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, देखो एलाइलिक हैलाइड में क्या था, जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में था एक छोड़कर नेक्स्ट वाले, और यहां पे क्या होगा आपका जो हैलाइड है वो डबल बॉन्ड के जहां पर डबल बॉन्ड होगा उस कार्बन पर अटैच होगा, लाइक देखो सी डबल बॉन्ड सी है तो इसी कार्बन पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन अटैच होगा, तो यहाँ पे एच और ये सी एच टू, ये आपका कौन सा हो गया आपका विनाइलिक हैलाइड। जैसे बेंजीन में वहां पर तुमने क्या देखा था, ये डबल बॉन्ड और फिर इस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच किया था किसमें, एलाइलिक में। अभी हम कहां अटैच कर देंगे, डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ में है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके विनाइलिक हैलाइड के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब देखो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, मींस एरोमेटिक रिंग, अभी तक मैंने एरोमेटिक रिंग नहीं बनाई थी, मींस बेंजीन रिंग, ठीक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ जो साइड चेन है, देखो बेंजीन रिंग के साथ जो अटैच है कार्बन, उस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो, अगर तुम मैं इसको ऐसे बना दू, मैंने बेंजीन रिंग नहीं बनाया, साइड के कंपाउंड वाले डबल बॉन्ड बनाया जिसके साथ कंजुगेशन में कौन सा हो गया आपका, एलाइलिक, लेकिन ये बेंजीन रिंग है तो ये कौन सा हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम हेलो एरिंग क्लासिफिकेशन में ही, हेलो एरिंग मीन्स जो हैलोजन है वो बेंजीन, एरिंग्स है, एरिंग मतलब बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड। अब आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स तो पता होंगे, आप क्लास 11 में पढ़कर आए थे, ठीक है। एरोमेटिक है और इसके साथ क्या हो जाए आपका, डायरेक्टली हैलोजन अटैच हो जाए तो क्या बोला जाता है, हेलो एरिंग्स, ठीक है। अगर यहाँ पे वो क्लोरीन हुआ तो क्या बोलोगे, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। और अगर ऐसे हो गया दो क्लोरीन आ गए तो क्या बोलोगे, 1,2-dichloro बेंजीन, 3 आ गए तो 1,2,3-trichloro बेंजीन। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थी और अब हम देखते हैं इसके नॉर्मल क्लेचर, इनको आप नेम कैसे करेंगे, पहले जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आप नोट डाउन करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं नॉमन लेक्चर पार्ट मीन आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे हम, ठीक है। आईयूपीएक नेमिंग बोलो या आईयूपीएससी नेमिंग बोलो, क्लास 11th में सारे रूल्स आप पढ़कर आए हो, तो जस्ट एक बार नॉमन लेक्चर मीन ये यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आप अपना क्लास 11th का नॉमन लेक्चर पार्ट रिवाइज जरूर करिएगा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रूल जो था सेलेक्ट द, आपको हाईएस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी थी, कार्बन चेन। अब देखो कितने कार्बन की, 1 2 3। बात आते हैं नंबरिंग की, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पर सब्सिक्वेंट अटैच जो नंबरिंग उस कार्बन से, तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, ठीक है। और इसका नेम क्या है, ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा, सारे सिंगल बोन है और 3 कार्बन की चेन है, तो ब्रो और सिंगल बोन है तो ए, तो क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। सिमिलरली देखो वही सेम हाईएस्ट कार्बन की चेन लिखनी है, 3 कार्बन की नंबरिंग चाहे यहाँ से करो या यहाँ से, ब्रोमीन को जो आपका सब्सिट्यूएंट है इसको नंबरिंग कितना मिलना है, 2 मिलना है, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। सिमिलरली देखो नेक्स्ट वाली है, चाहे 1 2 3 ऐसे हो या 1 2 3 ऐसे हो, हाईएस्ट कार्बन चेन जितनी रहनी थ्री रहनी है। अब बात आपकी नंबरिंग कहां से करें, तो जहां से सब्सिट्यूएंट देखो एक क्लोरीन अटैच है, CH3 अटैच है, ठीक है। तो थ्री प्लस किसको दोगे आप, Cl को या CH3 को, मीन्स अल्काइल ग्रुप को या फिर आपके लिए हेलो ग्रुप को, सोचो। तो इसमें नंबरिंग जो प्रीफरेंस देते हैं हम किसको देते हैं, हेलो को, एज कम्पेयर टू दिस, तो 1 2 3, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्लोरो है, CHLOR, इसका नाम क्या है, मिथाइल है, मिथाइल। तो नंबरिंग तो हम देखते हैं कि प्रीफरेंस किसको है, लेकिन नेमिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो कौन पहले आता है, मिथाइल का एम पहले आता है, क्लोरिन का सी, ऑब्वियस सी बात है, सी आता है, तो क्या नंबरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो मिथाइल कितने पे है, 2 पे, तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन चेन है, 3 कार्बन की चेन है, प्रो और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रो एन, ठीक है। नेक्स्ट वाले देखिए हाईएस्ट कार्बन चेन कितने हैं, यहां से नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2, यहाँ से इसको भी नंबर 1 मिल रहा है, इसको भी नंबर 1 मिल रहा है, तो ये क्या है, क्लोरो, और ये क्या है, इथीन, इथ ए, तो 1 क्लोरो इथीन, 1 क्लोरो इथीन। पहले आप ये कॉपी करो फिर नेक्स्ट देखो। स्टूडेंट देखो कुछ और नहीं करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा रूल क्या रहता है, हाईएस्ट, देखो यहाँ पर ये क्या कार्बन में शो नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करो हाईएस्ट कार्बन मीन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, किस कार्बन चेन में सबसे ज्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 और आप इधर आते 5, मीन्स आपकी ये वाली चेन क्या हो गई, हाईएस्ट कार्बन चेन हो गई, ठीक है। अब बात आती है नंबरिंग, यहां से कर रहे हैं, यहां से देखो दोनों एंड ही है, यहां से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहां से नंबरिंग करते हैं ये, तो बात आती है कि अब प्रेफरेंस किसको देंगे इसमें, तो आपको पता है दो चीजें अटैच है, एक तो डबल बॉन्ड है और एक है, तो जो प्रेफरेंस होती है डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है एक्स ग्रुप से, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले किसको लोअर नंबर मिले, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, क्योंकि यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 मिलकर, यहां से करते इसको 2 मिलता है, 3 4 और 5, ठीक है। तो अब आगे तो ये तो हमेशा क्या जाता है, नाम के लास्ट में जाता है, इन पहले नहीं आता, पहले आपका ब्रोमो आता है, कितने पे, 4 पे, तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, ठीक है। कितने कार्बन है, 5, और इन कितने पे है, 2, तो पेंट 2 ए, 4 ब्रोमो पेंट 2 ए, ठीक है। अब देखो इसको 1 नंबरिंग करो, 2 3 4 5 6, आप देख रहे हो पोजिशन 1 पे, 3 पे और 5 पे ब्रोमीन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 3
काले, कितने ब्रोमो हो गए, तीन, 1 2 3 5 पर ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो, अब ये क्या है बेंजीन, ठीक है। अब देखो इसमें आपको नेम दिया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको स्ट्रक्चर से नेम करना, नेम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले देखो लास्ट में क्या है, हेप्टेन, मतलब 7 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 and 7 नंबर लिखने कर लो अपने अकॉर्डिंग, मेन से भी कर लो, यहां से कर लो या वहां से, 3 4 5 6 7 ठीक है, ये पार्ट हम कर चुके। फिर क्या है, 3 iodo मीन्स 3 कार्बन पे क्या है, आयोडीन है, ये पार्ट ही हो गया। और 4 कार्बन पे क्या आपका टर्शियरी ब्यूटाइल है। अब देखो टर्शियरी का मतलब टर्शियरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो अदर 3 कार्बन से अटैच, जो 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, ये कॉमन नेम क्या बोलेंगे इस फंक्शनल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो कार्बन 4 पे क्या अटैच होगा आपका, कार्बन CH3 और यहाँ पे क्या होगा CH3, ठीक है। अब अपनी बात के बारे में सीन भी पूरी कर दो, CH3 CH2 H, यहाँ पे क्या होगा H CH2 CH2 एंड CH3। आई होप सभी को नेम पार्ट आ गया होगा, नोट डाउन। आपको पता है हैलोजन हो या हेलो हैलोजन, कौन सा बोन प्रेजेंट होगा, एक कार्बन हैलोजन बोन तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसको उसकी बोन में पोलैरिटी क्या है, देखो आपको पता है ये जो हैलोजन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन, कार्बन के कंपैरिजन में ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन में वो बाकी कुछ भी अटैच हो गया एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा स्लाइटली नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपने का शिफ्ट करके इसके कैसा चार्ज होगा स्लाइटली पॉजिटिव है। तो ये मीन्स ये कैसे होते हैं आपके, पोलर इन नेचर, मीन्स बॉन्ड में क्या रखती है, पोलैरिटी रहती है, ठीक है। अब देखो अगर आपके मीन्स यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो आपको पता है साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, क्लोरीन सेकंड पीरियड का, एक थर्ड पीरियड का, एक फोर्थ पीरियड का, एक फिफ्थ पीरियड का। अब देखो साइज इंक्रीज कर रहा है, ये साइज बढ़ता रहेगा, इट मीन जो सी एक्स बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा है, सी एक्स जो बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ आपकी वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और आपको पता है जब बॉन्ड लेंथ बड़ी हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है ज्यादा, मीन्स इस अगर ये बड़ा है, बड़ी चीज को तोड़ना आसान है, छोटी चीज को, ये बड़ी को तोड़ना, तो सिमिलरली आप क्या करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब आप मीन्स एक बार यहाँ पे सी एफ रखे पे क्लोरीन, तो आप इधर आओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, नोट डाउन। अभी तक हमने क्या देखा कि जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या है, पोलर है, और आपको पता है पोलर बॉन्ड में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। देखो डाइपोल मोमेंट मीन क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज इनटू में डिस्टेंस। अब सबसे ज्यादा चार्ज या पोलैरिटी किसमें होगी, ये बॉन्ड है सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो आपको पता है सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड जो होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, इट मींस आपको पता है ऊपर से नीचे ये ट्रेंड किसका है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ट्रेंड किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, मींस यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगी, पोलैरिटी होगी बॉन्ड में, और यहाँ पे क्या होगी, पोलैरिटी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इट मींस ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए। तो आपको सबसे जो डाइपोल मूवमेंट है, पोलैरिटी यहाँ ज्यादा है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, फिर किसका होना चाहिए, इसका सी बी आर और सी आई होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं, सिर्फ यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ,
जैसे आपको बैलेंस में नजर आ रहा है सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए सी एफ सी एच थ्री एफ का सी एच थ्री सी एल से क्या हो जाता है कम हो जाता है क्यों हो जाता है तो आप वो रीजन जानते हैं देखो ये आपका क्या है यहां पे क्या है सी एच 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 ओ सी एल ठीक है ठीक है आपका तो डायग्राम में क्या होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस हमने मान लिया कि फ्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर इसका जो चार्ज सेपरेशन है वो क्या है ज्यादा है ठीक है लेकिन जब इस आपको पता है ये क्या है स्मॉल साइज का एज कंपेयर टू फ्लोरीन तो स्मॉल साइज का तो बोन मिस होगी जो बोन लाइन ये भी क्या होगी कम होगी भाई चार्ज से जो हमारा ज्यादा होगा लेकिन डिस्टेंस क्या है इसके कंपेरिजन में कम है तो ये जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट आता है ओवरऑल जो चार्ज टू डिस्टेंस का प्रोडक्ट हुआ वो किसके लिए ज्यादा आता है आपका किसके लिए ज्यादा आता है इसके लिए क्या आता है कम आता है ठीक है तो आप क्या बोल सकते हो ड्यू टू स्मॉल साइज जो सी एक्स बोन लाइन है बोन लाइन ये क्या हो गई रिलीज कर दी इटमीन जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ओ चार्ज एंड डिस्टेंस चार्ज एंड डिस्टेंस क्या आएगा डिक्रीज आएगा इसीलिए होना चाहिए था इसका ज्यादा लेकिन होता किसका ज्यादा है सी एच थ्री सी एल का नो डाउट देखो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं ठीक है पहले हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे फिर हम हेलो एलिन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे फिर उन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी तो इस चैप्टर में हम ऐसे मूव करने वाले हैं तो पहली बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की लेकिन किससे एल्कोहल से आपका एल्कोहल क्या होता है आर ओ एच ठीक है अगर इसमें देखो भाई आपका हाइड्रोजन एसिड एच से ज्यादा जाएगा तो आप बोल सकते पहले क्या होगा एच प्लस आएगा ठीक है मैं जस्ट एक बार हल्का सा छोटा सा मैकेनिज्म बता रहा हूं और इसके पास क्या है लोन पेयर अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या कर देगा डोनेट कर देगा अब इसने डोनेट कर दिया देखो आर ओ एच इसके पास एक और एच आ गया लेकिन इसने डोनेशन किया तो इसके ऊपर कितना एक पॉजिटिव चार्ज एक का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया अब देखो ये एच एक्स था सपोज करो एक्स ठीक है तो ये क्या है जो अब ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता है ठीक है देखो आप ये ऑक्सीजन क्या अपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता तो ये क्या करेगा ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन दोनों अपनी तरफ खींच लेगा जब यहां से खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा इस पर आएगा इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ अब ये पॉजिटिव बन गया ये एच नेगेटिव इस पर क्या करेगा अटैक करेगा ठीक है तो आपका क्या निकल गया देखो आपका यहां से इसने इसके ऊपर अटैक किया क्या बना आर एक्स बना और यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया इलेक्ट्रॉन लेकर एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव कैंसिल करके क्या बन गया एच टू तो ये एक मैकेनिज्म था कि कैसे अल्कोहल से क्या बनता है आपका हेलो एल्केन अब हम देखेंगे क्या क्या रिएजेंट्स यूज करते हैं आप इसको नोट डाउन कर तो स्टूडेंट देखो अभी हम हेलो एल्केन बना रहे किससे अल्कोहल से मींस एक ही आर ओ ग्रुप से आप क्या बना सकते हो आर एक्स बना सकते हो इन अलग अलग मेथड से क्या तो आप क्या यूज करोगे फर्स्ट रिएजेंट आप लोग एचसीएल प्लस में एन हाइड्रस जेड एनसीएल ठीक है इस पूरे एचसीएल प्लस जेड ये अनहाइड्रस जेड एनसीएल को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट लुकास रिएजेंट क्या आप लुकास रिएजेंट से बना सकते हो अल्कोहल से आर एक्स या फिर आप क्या ऐड कर दो पीसीएल फाइव या फिर क्या ऐड कर दो पीसीएल थ्री ठीक है हम लोग भी पढ़ा रहे थे क्लोरीनेटेड एजेंट होते हैं ठीक है और एक आप यूज कर सकते हो एसओ टू सीएल ठीक है एसओ टू सीएल टू से रिपेयर होने वाला आर एक्स क्या है बेस्ट मेथड है क्यों ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है काफी बार प्रश्न आ जाता है एसओ टू सीएल टू बेस्ट मेथड क्यों तो एल्कोहल से
गैस रेजिन में हमने भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी ROH है उसके अंदर हम क्या डाल दें, HCl प्लस में एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दें तो हमारा क्या बन जाएगा, आर एक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा आपका HCl, ये हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे जो एन हाइड्रस ZnCl2 डालने का जो रोल है वो क्या है, ये हेल्प करता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा आर में, क्या कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा इट क्लीव्स। देखो इसका रोल अगर आपसे कोई पूछे इसका रोल क्या है, तो क्या करता है ये क्लीव करता है क्या, ये जो CO बॉन्ड है एल्कोहल में जो CO बॉन्ड है इस बॉन्ड को क्या करता है ब्रेक करता है, क्यों, क्योंकि ये जो ZnCl2 ये क्या है लैविस एसिड, देखो ये लैविस एसिड है इसके पास लोन पेयर है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन इसके ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो ये यहां से अपने क्या कर लिया, उसने क्या कर दिया इस बॉन्ड को क्या कर दिया क्लीव कर दिया। तो ये रोल है ZnCl2 का लैविस एसिड है हेल्प करते हैं क्लीव जो CO बॉन्ड, और आगे किसकी फॉर्मेशन करता है आर की। अब देखो रिएक्शन देखो, अगर आपका ये है CH3CH2OH आपने लुकास रिएजेंट डाल दिया तो आपका क्या बनेगा, यहां से OH निकल जाएगा CH3CH2Cl, भाई HCl यूज कर रहे हो Cl आएगा प्लस में H2। अगर ऐसे आपका सेकेंडरी हुआ CH3CHOH यहां पे और CH3 तो यहाँ का क्या बन जाएगा सेकेंडरी है CH3CHXCH3, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन थे बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट मॉडल। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्लोरो RX बनाना है क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरोइथेन क्लोरोइथेन, ठीक है ये बनाना, लेकिन आप बोलो देखो क्लोरो लाने के लिए हमने क्या यूज किया लुकास रिएजेंट, ठीक है, मीन एसिड के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा एन हाइड्रस ZnCl2। लेकिन सपोज करो एल्कोहल है आपको क्लोरो नहीं बनाना आपको ब्रोमो बनाना है, ठीक है, तो ब्रोमो के लिए आप सिंपली क्या ले लो HBr ले लो, लेकिन उसके साथ हमें ZnCl2 ZnBr को कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम क्या करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में की प्रेजेंस में क्या कर देंगे रिफ्लेक्स करेंगे, रिफ्लक्स, रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है लॉन्ग डिग्री, तो आपका सिंपली क्या बन जाएगा RBr, ठीक है आपने ये लिया था। और अगर आपको आयोडीन लेकर आना है तो आप क्या यूज करोगे सिंपली HI, और उसके लिए तो H2SO4 इसकी प्रेजेंस में ये सिंपली क्या कर दो रिफ्लक्स कर दो तो आपका क्या बन जाएगा RI। लेकिन याद रखना जो आपने अभी HCl लाना था क्लोरीन लाना था तो उसमें किसकी प्रेजेंस चाहिए ZnCl2 की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब ये जो टॉपिक एरिया का जब अल्कोहल पार्ट आएगा मीन अल्कोहलिक अलग चैप्टर है उसमें भी रिएक्शन आएगी, बट मैं रिएक्शन आपको नहीं क्लियर कर देती हूँ। ये जो लुकास रिएजेंट था वो हमें हेल्प करता है बताने के लिए कि हमने कौन सा अल्कोहल यूज किया था, प्राइमरी अल्कोहल लिया है सेकेंडरी लिया है टर्शियरी लिया, ठीक है। जनरली आपको अल्कोहल वाले इवेंट में मिलेगी ये वाली रिएक्शन, बट हम यही पढ़ रहे हैं जैसे देखो आपकी रिएक्शन क्या थी, आपका कोई भी अल्कोहल हो आप लुकास रिएजेंट हो गए, लुकास रिएजेंट क्या था HCl प्लस में एन हाइड्रस ZnCl2, तो आपको क्या मिल रहा था RX मिल रहा था RCl। और ये RCl की जो पीपीटी होते हैं वैसे पीपीटी होते हैं व्हाइट कलर की होते हैं व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो ये लुकास रिएजेंट देखो अगर सपोज करो यहां पे मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया होगा, प्राइमरी अल्कोहल लाइक दिस CH3CH2OH, ये क्या है प्राइमरी अल्कोहल, ये लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा CH3CH2Cl। तो देखो पीपीटी बनेगी, सिमिलरली आप अगर सेकेंडरी अल्कोहल लो रहे तब भी आपका पीपीटी बनना चाहिए,
टर्शियरी एल्कोहल में जो लिक्विडिटी बनते हैं वो क्या बन जाते हैं, इमीडिएटली बन जाते हैं अचानक से तभी के तभी। ये आपने टर्शियरी एल्कोहल लिया और आपने जो उसमें लुकास रिएजेंट डाला वो तुरंत विदिन सेकेंड, सेकेंड में क्या माइक्रो सेकेंड में आपके क्या करते हैं लिक्विडिटी बन गई इमीडिएटली, ठीक है, टाइमिंग या लिक्विडिटी बन गई। और जो सेकेंडरी एल्कोहल है इसमें टाइम लगता है 5 से 10 मिनट बन गई। और प्राइमरी एल्कोहल जनरली तो आप बोल सकते हैं ये रिएक्शन होती ही नहीं, यानी रूम टेम्परेचर पे आप बोल सकते हो रूम टेम्परेचर पे नो पीपीटी फॉर्मेशन, लेकिन आप अगर इसी सॉल्यूशन को क्या कर दो हीट कर दो तो आपके क्या मिलेंगे व्हाइट पीपीटी। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, आप बोल सकते हो अगर आपके पास टर्शियरी एल्कोहल है ठीक है टर्शियरी एल्कोहल इमीडिएट व्हाइट पीपीटी बनाता है लुकास रिएजेंट के साथ, सेकेंडरी एल्कोहल 5 से 10 मिनट लगाता है और आपका प्राइमरी एल्कोहल रूम टेम्परेचर तो पे तो बनाकर ही नहीं देता है, उस सॉल्यूशन को जब आप हीट करोगे तब आपको क्या मिलेगी व्हाइट पीपीटी। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको गिवन एल्कोहल कौन सा था, ठीक है नॉन था। तो स्टूडेंट्स आपसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक केमिकल टेस्ट बताओ जो डिस्टिंग्विश कर सके प्रोपेनॉल में और इथेनॉल में। तो देखो आपको ओल लास्ट में दोनों में क्या लग रहा है, ओल लग रहा है कि दोनों में क्या है एल्कोहल है, मैं प्रोपेन को ओल, प्रोपेन मतलब तीन का मतलब इथेनॉल मतलब सेकंड पे एल्कोहल, तो आपका क्या बन गया प्रोपेन फोर, अब आपका इथेनॉल क्या होगा CH2CH2OH। तो देखो ये कैसा एल्कोहल है प्राइमरी और ये कैसा एल्कोहल है सेकेंडरी। अगर आप इसमें क्या डालोगे लुकास रिएजेंट डालोगे तो पीपीटी कितनी देर में मिल जाएगी आपको 5 से 10 मिनट में, क्योंकि ये सेकेंडरी है टर्शियरी मोर रिएक्टिव है। अगर आप रिएक्टिविटी देखोगे लुकास रिएजेंट का तो टर्शियरी एल्कोहल ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, और इसका आप बोलोगे यहाँ पे पीपीटी फॉर्म नहीं होगा नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर, नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब आप उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे पीपीटी मिलेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि किस में 5 से 10 मिनट में मिल रहे हैं और किस में हीटिंग से मिल रहा है नो। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट जो था देखो एल्कोहल से पढ़ रहे थे तो हमने लुकास रिएजेंट की देख रहे हैं किससे बना सकते हैं एल्कोहल से अल्कोहल यूजिंग PCl5 PCl3 और SO2 CL। तो ये हमारे नेक्स्ट रिएक्शन है आप एल्कोहल में RH में क्या ऐड कर दो PCl5 तो आपका क्या बन जाएगा RCl और क्या यूज होगा POCl3 प्लस में क्या निकलेगा H2O। तो ये रिएक्शन आपकी जनरली होगी PCl5 के साथ, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लो इथेनॉल CH3CH2OH, अगर आपने PCl5 डाला तो क्या बनेगा CH3CH2Cl POCl3 प्लस में H2O। देखो बैलेंस है एक इक्वेशन, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, अगर आप PCl3 लेते तो क्या होता है ROH या फिर आप PCl3 लोगे, ठीक है तो बनेगा तो आपका वही एल्काइन हैलाइड मीन्स RCl, बट यहाँ पे क्या नहीं होगा H3PO3, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितने हैलोजन ये स्टूडेंट हम प्रिपरेशन देख रहे हैं हेलो एल्केन की फॉर्म एल्कोहल, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के देखो रिएजेंट्स क्या हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जनरली आपका कौन सा है क्लोरो एल्केन बनाने का प्रोसीजर है, ठीक है। देखो पहला रिएजेंट आप यूज करोगे HCl प्लस एन हाइड्रस ZnCl2, इस HCl प्लस एन हाइड्रस ZnCl2 को क्या बोलते हैं लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या डालो RH एल्कोहल में HCl प्लस ZnCl2 ऐड कर दो आपका क्या बन जाएगा क्लोरो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर दो PCl5 ऐड कर दो या फिर आप PCl3 ऐड कर दो या फिर SOCl2 थायोनाइन क्लोराइड, ये चार मेथड से आप क्या बना सकते हो क्लोरो एल्केन, ठीक है। ये वाला जो मेथड है SOCl2 वाला ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना गया है और इसका रीजन जब मैं इसकी रिएक्शन समझाऊंगी आपको तब होगी। ये क्लोरो एल्केन प्रिपेयर करने का क्या है
बेस्ट मेथड है। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले एल्कोहल की प्रिपरेशन पहले क्लोरोएल्केन की प्रिपरेशन देख रहे हैं किससे, लुकास रिएजेंट से। तो फर्स्ट हम ए पार्ट आप देख सकते हो किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम HCl प्लस एनहाइड्रस जर्डन सीएल टू, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लुकास रिएजेंट। आप क्या करोगे, आप एल्कोहल लोगे, आपने आर बच लिए प्लस में क्या किया HCl ऐड किया, किसकी प्रेजेंस में, जर्डन सीएल टू की प्रेजेंस में। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आर एक्स मिलेगा, यहाँ से टोटल रिमूव। ठीक है, अब देखो ये रोल क्या है यहाँ पे, जर्डन सीएल टू आप बोल सकते हो कैटलिस्ट क्या है, ये एक क्या है लैविस एसिड, क्या है लैविस एसिड है। और इसका रोल क्या है, इसका रोल है कि जो आर एच मीन्स देखो आर है तो कार्बन होगा, कार्बन और ओ एच ओ मोड सीओ मोड इसको क्या करता है, ब्रेक करता है। तो इट हेल्प्स इन क्लीवेज, इट हेल्प्स इन क्लीवेज ऑफ सीओ बोन्ड इन अल्कोहल, इन अल्कोहल। ठीक है, देखो हल्का सा मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, देखो जर्डन सीएल टू क्या है, लैविस एसिड है, ये समझने के लिए कैसे ब्रीक कर रहा है बॉन्ड को। ठीक है, जर्डन सीएल टू था आपका और यहाँ पे क्या है आर ओ एच, इसके पास क्या है लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो जर्डन सीएल टू क्या है, लैविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑक्सीजन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने लोन पेयर देगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, ये सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स बन गया आर ओ, ये एच है और एक तरफ क्या आ गया आपका जर्डन सी एल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन के ऊपर, क्या है पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड क्या करेगा आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, ये क्लीव करेगा, क्लीव करेगा तो आपको क्या बनेगा आर पॉजिटिव कैटायन बनेगा। यहां से जो आपने HCl डाला ये क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ये हल्का मैकेनिज्म सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली कर क्या रहा है, क्लीव कर रहा है सीओ बॉन्ड को इन एल्कोहल। ठीक है, एग्जाम्पल देखो अगर आपके पास सपोज करो मिथेनॉल है, आपने क्या डाला HCl डाला जेडन सीएल टू की प्रेजेंस में एनहाइड्रस। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा क्लोरोमीथेन CH3Cl और क्या रिमूव हो जाएगा आपका वोटर। आई होप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो सेकेंडरी एल्कोहल होगा CH3CHOH और CH3, ये एल्कोहल सेकेंडरी कार्बन से अटैच, जो सेकेंडरी एल्कोहल आप इसमें क्या ऐड करेंगे HCl, इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस जर्डन सीएल टू की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा सेकेंडरी एल्केन मिलेगा CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl CH3। ठीक है, और जो आपका टर्शियरी एल्कोहल है वो रिएक्शन बहुत क्या करता है उसके साथ फास्ट होती है, क्योंकि वहां पर देखो फॉर्मेशन किसकी होगी, देखो यहां से OH की बॉन्ड क्लीव होगा तो कार्बन का टाइम कौन सा बनेगा सेकेंडरी कार्बन का टाइम, और आपको पता है कार्बन का टाइम की जो स्टेबिलिटी है वो टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी ये होती है, क्लास 11 में आप पढ़ के आए। इट मींस अगर आप टर्शियरी एल्कोहल लेते हो लाइक दिस, तो आप HCl लोगे तो बिना ये रिएक्शन क्या होगी इतनी फास्ट होगी कि रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और आपको क्या बना के देगा CH3CH3CH3Cl। ठीक है, तो अगर आप रिएक्टिविटी देखो तो लुकास रिएजेंट के साथ आपका टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है मिस इजिली रिएक्ट करेगा HCl का, इवन रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका लुकास रिएजेंट है ये डिफ्रेंशिएट करने में भी आता है यूज में कि प्राइमरी एल्कोहल है या सेकेंडरी है टर्शियरी है, वो देखते हैं अभी हम। ठीक है, उससे पहले
पहले हमने देखो अभी तक क्या बना दिया, क्लोरो एल्केन बना दिया। अब अगर हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है, देखो क्लोरो एल्केन हमने देखा नुकाल दिए थे, हमने क्या डाला था एक्सएल प्लस में जेड एस। अब अगर हमें क्लोरीन की जगह ब्रोमो एल्केन चाहिए तो ब्रोमो एल्केन के लिए क्या डालेंगे आप, एक्सएल की जगह क्या डालेंगे एच बी आर, लेकिन जैसे सी एच थ्री है सी एच टू ओ एच, आप यहाँ क्या ऐड करेंगे एच बी आर, किसके प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू बी आर। तो यहाँ पे आपको एच टू एस ओ फोर यूज करना पड़ेगा ब्रोमो एल्केन के लिए, जेडन सी एल के जेडन बी आर को हम यूज नहीं करेंगे। और अगर आपको आयोडो एल्केन बनाना है, आयोडो एल्केन बनाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे आपने यही एल्कोहल ले लिया सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस में एच एल, और सिंपली क्या करेंगे रिफ्लक्स करेंगे। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, हीटिंग करना लो टैंक, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू आई। तो देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना है आपको एचसीएल ले लो, एचसीएल के साथ आपको जेड एन सी एल टू लेना पड़ेगा, उन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं लुकास रेजिम बोलते हैं। अगर आपको ब्रोमो एल्केन बनाना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा एच बी आर एच प्लस ओ फोर की प्रेजेंस में, और आयोडो बनाना सिंपली एच आई ऐड करो, क्या कर दो हीट कर दो। तो ये मेथड्स थे आपके हेलो एल्केन बनाने के, नोट डाउन। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में आपका क्या बनता है क्लोरो एल्केन बन रहा है या इंटरस्टूड है, ठीक है। तो देखो और मैंने रिएक्टिविटी भी बताई थी लुकास रिएजेंट के लिए, टर्शियरी होती है टर्शियरी कार्बन भाग हो गया, टर्शियरी एल्कोहल जो होगा उसमें ज्यादा फास्ट होगी फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है। मीन्स अगर आपके पास जनरल रिएक्शन के आप मैं लिख रही हूँ एचसीएल की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू आपको क्या देगा आर एस देगा, और इस आर एस के प्रेसिपिटेट होते हैं व्हाइट कलर, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, कितनी देर में देगा, क्या देगा। तो देखो अगर आप टर्शियरी एल्कोहल लेते हो, टर्शियरी एल्कोहल तो और आपने क्या डाल दिया लुकास रिएजेंट डाला है, मीन्स एचसीएल प्लस में जेड एन सी एल टू कौन सा एनहाइड्रस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीपीटी बनेंगे आर एक्स भी आपको पता है आर एक्स तो बनेगा, ठीक है। अगर इसका आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो सी एच, सपोज करो ये टर्शियरी एल्कोहल जो है ये है सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। तो आप क्या बनेगा आपका टर्शियरी एलाइन बनेगा, क्या बनेगा टर्शियरी एलाइन या अब सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री और एक्स। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि जो व्हाइट पिपिलिटी है क्या इमीडिएटली बन जाएगा, मीन जैसे आपने टर्शियरी एल्कोहल लिया और आपने क्या डाला लुकास रिएजेंट डाला तो आपका क्या बन गया व्हाइट पिपिलिटी बन गया इमीडिएटली बिना टाइम लगाए, ठीक है। वहीं पे जब आप क्या लेते हो सेकेंडरी एल्कोहल लेते हो और जब आप लुकास रिएजेंट डालते हो तब भी आपका क्या बनेगा आर एक्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखो आर एच जैसा पीपीटी कैसा होगा व्हाइट, लेकिन इसको बनने में कितना टाइम लगेगा 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। और वहीं पर अगर आप प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं और इसकी लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो तो भी क्या मिलेगा व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा, सॉरी मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तब रूम टेम्परेचर क्या कह सकते हो नो व्हाइट पीपीटी, नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब आप इसको हीट कर दोगे ऑन हीटिंग आपको क्या मिलेगी व्हाइट पीपीटी मिलेगी व्हाइट पीपीटी, तो वो आपका कौन सा एल्कोहल होगा प्राइमरी एल्कोहल। तो देखो आपको सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब में मैंने कोई भी एल्कोहल दिया और मैंने कहा कि आप चेक करके बताइए प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी, तो आप सिंपली क्या करेंगे लुकास रिएजेंट डालेंगे और देखेंगे जो व्हाइट पीपीटी बन रहे हैं वो कितने टाइम में बन रहे हैं। अगर इमीडिएटली बन जाते हैं मीन्स वो कौन सा एल्कोहल है टर्शियरी,
पांच से दस मिनट लेते हैं तो सेकेंडरी और रूम टेम्परेचर पे बनते ही है, हीट करने पे क्या बने आपके पीपीटी बने तो मीन्स वो क्या है प्राइमरी एल्कोहल। स्टूडेंट्स काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ठीक है हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल गिव ए टेस्ट, तब क्या बोलूंगी कौन सा टेस्ट हो गया एल्कोहल के लिए लुकास टेस्ट। तो इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, पहला नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट जो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है आपको प्राइमरी सेकेंडरी डायरेक्टली ना बता के इनडायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू देते हैं कैसे गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपीन टोल एंड इथेनॉल। तो देखो ओल ओल है ठीक है इट मीन दोनों क्या है एल्कोहल, अगर आप प्रोपीन टू ओल का डायग्राम बनाओ तो प्रोपीन क्या है देखो बेटा इसीलिए आपका नेमिंग पार्ट इम्पोर्टेंट है, आपको नेम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नेम बनाना आना चाहिए, इसीलिए देखो स्टार्टिंग में मैंने प्रैक्टिस कराई थी और आपको भी काफी प्रैक्टिस करनी है नेमिंग की। तो प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन चेन और टू ओल का मतलब सेकंड कार्बन पे क्या है एल्कोहल ग्रुप का बात की सी एच थ्री एच एंड सी एच थ्री ये तो क्या प्रोपेन टू ओल, और इथेनॉल का मतलब इथ का मतलब दो कार्बन और ओ एच यहाँ पे क्या होगा आपका सी एच टू एंड सी एच थ्री। तो देखो ये जो ओएच है ये कौन से कार्बन से अटैच है सेकेंडरी कार्बन की कैसा एल्कोहल है सेकेंडरी एल्कोहल और ये एक कार्बन से अटैच है प्राइमरी एल्कोहल है। अब आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप इसमें क्या डाल दो आप लुकास रिएजेंट डाल दो मींस HCl प्लस में जेड एंड Cl। तो आप ऊपर टेस्ट का नाम बताएंगे आप क्या कर रहे हो आप लुकास टेस्ट कर रहे हो ठीक है तो ZnCl को कैसा एनहाइड्रस तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी वाइट पीपीटी मिलेगी लेकिन कितने टाइम बाद आफ्टर 5 to 10 मिनट्स 5 से 10 मिनट के अंदर आपको वाइट पीपीटी मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे लुकास रिएजेंट डालते हो HCl प्लस में ZnCl तो आप बोलोगे नो पीपीटी इज फॉर्म दैट रूम टेम्परेचर लिखोगे नो पीपीटी फॉर्म दैट रूम टेम्परेचर बट पीपीटी फॉर्म ऑन हीटिंग तो नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर ऑन हीटिंग आपको क्या मिलेगा वाइट पीपीटी तो वो आपका क्या है एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल इथेनॉल हो ठीक है। तो ये टेस्ट था नोट डाउन उसके हमने एल्कोहल से बनाना सीखा था आपका हेलो एल्केन लुकास रिएजेंट पहला मेथड था, सेकंड हमने पीसीएल फाइव और पीसीएल थ्री देखा और एल्कोहल के साथ पीसीएल फाइव रिएक्ट करोगे तो एल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में क्या मिलेगा होगा पीओसीएल थ्री प्लस एचसीएल ठीक है। एग्जाम्पल देखो हम सब सपोज करो अगर आपके पास मीथेन हो गया और आप क्या ऐड कर रहे हो पीसीएल फाइव तो आपका क्या बनेगा सी एच थ्री सी एल प्लस में पीओ सी एल थ्री प्लस एचसीएल ठीक है। अगर आप पीसीएल थ्री बनाते तो बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड लेकिन याद रखना यहाँ पे एक एल्कोहल एक पीसीएल थ्री लेकिन यहाँ पे तीन एल्कोहल एक पीसीएल थ्री यूज होते हैं ठीक है बैलेंस करोगे तो ये याद रखना है और साथ में क्या करनी होगा एच थ्री पीओ थ्री। अब देखो एक लास्ट और बचा ने चार लीजिए देखे थे एल्कोहल के लिए लास्ट वाला क्या आपका एस ओ सी एल टू ठीक है तो फोर्थ वन इज या डी पार्ट इज फ्रॉम एसओ सी एल टू हाइनाइल क्लोराइड। अगर आप एल्कोहल में आर ओ एच में एसओ सी एल टू का एसओ सी एल टू का डायग्राम देखो लीजिए ठीक है यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा और साथ में याद रखना है यहाँ पे ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं एक्टिविटी ये क्या है एक ऑर्गेनिक बेस है और इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये होता है ये पीरिडीन है ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा आपका आरसीएल बनेगा एसओ टू गैस निकलेगी और क्या निकलेगा एचसीएल ठीक है। तो लिख देखो यहाँ पे क्या बना है एल्काइल है इसका जो मैं पढ़ा था जो बोला था मैंने ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन क्यों माना जाता है यहाँ पे जो दोनों जो बाई प्रोडक्ट है मेन प्रोडक्ट हमारा ये दोनों क्या है बाई प्रोडक्ट है ये दोनों ही बाई प्रोडक्ट क्या है गैस है
जैसे बनेंगे क्या हो जाएंगे, ऊपर से जाएंगे गैस फॉर्म में, ठीक है, यहाँ एक्सेल कौन से फॉर्म में बनता है, गैसियस फॉर्म। तो आपके साथ सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा होंगे हेलोजन, मीन्स आपको किसी सेपरेशन में किसी और चीज में भी दोनों वाला करने की जरूरत नहीं है, आपके पास प्योर या आपके पास हेलो एल्केन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बाय प्रोडक्ट क्या थे, गैसियस फॉर्म में। जबकि आप दूसरे अदर प्रोडक्ट्स देखोगे जैसे PCl3 या PCl5, उसमें सारे प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म के नहीं है, इसीलिए ये क्या माना गया, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन।